सागर जिले के सागर थाना क्षेत्र में सोमवार को जमीन विवाद पर कुल्हाड़ी से अपने ही परिवार के युवक पर प्राण घातक हमला करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज बुधवार को न्यायालय में पेश किया है। घटना 21 नवंबर सोमवार की है। सागर के रामपुर ग्राम में एक ही परिवार के दो पक्षों में खेत की मेड़ तोड़ने पर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने गंभीर आरोप पीट पुलिस गंभीर रूप से घायल फूल सिंह यादव के भाई राम सिंह यादव की शिकायत पर थाना शाहगढ़ में स्वामी यादव और देव सिंह यादव पर प्राण घातक हमला करने की धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है। बता दें कि सोमवार को फूल सिंह यादव अपने पिता धनीराम और भाई राम सिंह के साथ खेत पर बोमड़ी करने के लिए गया था, तभी फूल सिंह का विवाद चचेरे भाई देव सिंह यादव से हो गया था। फूल सिंह के चाचा स्वामी यादव ने उसे कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मामले में दो लोगों पर आईपीसी की धारा 307 का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। संवाददाता तालिब खान की रिपोर्ट। सर, जो 21 तारीख को रामपुर में घटना हुई थी, उस बारे में बताइए, आरोपी गिरफ्तार हुए। दिनांक 21 को एक ही परिवार के दो पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें राम सिंह की रिपोर्ट पर से आरोपी देव सिंह और स्वामी सिंह के खिलाफ 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।